पड़ोसियों ने दिखाई दबंगई, तमंचे की बट से बुरी तरीके से मारपीट, प्रार्थी को करा लहूलुहान। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में थाना मझोला निवासी प्रार्थनी के साथ पड़ोसी आरोपियों ने अपने दबंगई दिखाते हुए बुरी तरीके से मारपीट की, जिसमें प्रार्थनी के गंभीर चोटें आई। दरअसल आपको बता दें कि थाना मझोला निवासी प्रार्थनी का कहना है कि मेरे पड़ोसी से मेरा काफी समय से विवाद चल रहा है। मेरी स्कूटी बाहर खड़ी हुई थी, इसे हटाने के लिए मैं बाहर गई। उसने कहा अब यह स्कूटी नहीं हटेगी, इस बात को लेकर विवाद हो गया। मेरे पड़ोसी सोहनलाल और उनकी पत्नी सविता सैनी, उसकी माँ और एक अज्ञात व्यक्ति ने प्रार्थना के ऊपर लाठी व तमंचे की बट से बुरी तरीके से मारपीट, हुआ बदतमीजी की। और प्रार्थनी का कहना है कि आरोपी मेरे कपड़े फाड़ने को तैयार थे, इससे प्रार्थनी के सर, आंख व अन्य अंगों पर गंभीर चोटें आई और सर में 7 टाके लगे हैं। उसके बाद प्रार्थनी थाने गई और उसका अस्पताल में मेडिकल हुआ। इससे पहले भी एक बार प्रार्थनी पर आरोपी वार कर चुका है। प्रार्थनी का कहना है कि मेरी किडनी भी खराब है, मैं इस स्थिति में नहीं हूं उनसे लड़ सकूं। मैं चाहती हूं उन चारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। इससे साफ जाहिर होता है कि चौकी इंचार्ज मुलजिमों से हम साझ हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने फरियाद लेकर थाने जाएगा तो चौकी इंचार्ज अपनी दबंगई दिखाकर उसे प्रार्थना पत्र ही बदलवा लेंगे। क्या नाम है आपका? प्रीति शर्मा। बताइए क्या घटना होती, क्या पूरा मामला? सर मैं दुर्गा नगर कॉलोनी की निवासी हूँ, मेरी पड़ोसन है, इनसे मेरा कई दिनों से विवाद चला आ रहा है। मैं काम पे भी जाने लगी, मैं शांत रहती हूँ, घर से बाहर भी ज़्यादा फालतू नहीं निकलती। मेरी स्कूटी खड़ी हुई थी रास्ते में, उसने बोला कि मैं हटाने गई स्कूटी अपनी, तो उसने बोला आप नहीं हटेगी बीच रास्ते में से। मैंने कि कैसे ना हटेगी, मुझे जाना, मैं स्कूटी हटाऊंगी अपनी। इतने में वो मेरे ऊपर, उसके पति के हाथ में तमंचा था और उसके हाथ में डंडा, वो दोनों मतलब मुझ पे हमला करने लगे। उसकी सविता सैनी जो मेरी पड़ोसन है, उसकी माँ, उसका भांजा और वो उसका पति, और वो दोनों मुझ पे मतलब चारों लिपट गए। मैं अपनी घर पर अकेली थी, मेरे पति बाहर काम करते हैं। बस यही बात थी, पहले भी वो हम पे हमला कर चुके हैं, तो मेरी मम्मी और बहन आ गई थी, उन्होंने मुझे बचा लिया। उनके काफ़ी चोट आई थी मेरी मम्मी के और बहन के। अब उसने मुझे अकेला देख के मतलब चारों जनों ने बहुत ज़्यादा मारा, ये मेरे चोट आई है, मतलब अधमरा जान के छोड़ा मुझे। मेरे किराएदार जो हैं वो मुझे हॉस्पिटल लेके भागे, थाने गए हम पहले, फिर मेरा मेडिकल हुआ, तब हम घर पर आए। जी हाँ, वो जेंट्स थे दो, उन्होंने बदतमीजी भी की मेरे साथ। सर वो मतलब मेरे कपड़े उपड़े फाड़ने को तैयार थे, बचाने भी कोई नहीं आ पाया, जिससे झगड़ा होता तो आवाज़ सुनते, झगड़ा हुआ ही नहीं, वो सीधे मारने को फैल गए मुझ पे चारों जने। नहीं फटे, फट नहीं पाए, इतने में मेरा सिर फट गया था, तो वो लोग भाग गए। तो ये आँख में आपके चोट किस तरह से? सर आँख पे तो मेरे डंडा लगा है और जो सिर में चोट लगी है उस पर तमंचे की बाट तमंचा मारा था उन्होंने पीछे से। हाँ, सात टाँके हैं जी। थाने पास में FIR करवाई? हाँ, थाने में FIR दे दिए मैंने। FIR तो ना हुई है, अभी क्या हो गई है? सर मैं तो एप्लीकेशन लिख के दे दिया, पता नहीं FIR हुई है या नहीं हुई है। उसकी बीवी है, पति को पुलिस ले गई है उठा के। अब सर वो आए दिन धमकी देता रहता है कि क्या बोलते हैं, मैं तुझे मार दूंगा, तू अकेली रहती है, ये है वो है, बहुत ज़्यादा। और मेरी किडनी भी ख़राब है, वो आए दिन मुझ पर हमला करते हैं, बताओ मैं क्या करूं। मेरी डायलिसिस होती है हफ्ते में दो, मैं इस लायक नहीं हूँ जो उनसे लड़ सकूं। मैं चाहती हूं कि उनके दोनों चारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, वो जेल जाएं, और मेरा जो इलाज में खर्चा आएगा वो मेरा इलाज कराएं, क्योंकि मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, डायलिसिस कराती हूँ, बताओ मैं कहाँ से इलाज कराऊंगी। अब आप घर के अंदर अकेली रहती हैं? जी घर में अकेली रहती हूँ। हाँ मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरे पति बाहर ड्यूटी करते हैं, वो जियो में टेक्नीशियन है। हाँ मुझे डर लगा रहता है, मुझे अपनी जान का खतरा है उनसे, अपने पति की भी जान का खतरा है।